भारत में कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के जाने माने निर्माता एलटी ग्रीन ने देश की राजधानी में अपने दूसरे नए रिटेल एक्सपीरियंस स्टोर का लॉन्च किया। कंपनी का ये नया स्टोर आजाद नगर मंडी मार्केट में स्थित है। ये भारत में कंपनी का 17वां रिटेल डीलरशिप है। इससे पहले कंपनी मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर जैसे महानगरों में अपने स्टोर खोल चुकी है। अन्य शहरों में मौजूद एलटी ग्रीन के एक्सपीरियंस सेंटरों की तरह दिल्ली के इस नए डीलरशिप में भी उपभोक्ता एलटी ग्रीन के इलेक्ट्रिक कार्गो वाहनों की व्यापक रेंज का अनुभव पा सकेंगे। एलटी ग्रीन ने दिल्ली में अपने दूसरे डीलरशिप के लिए भी साई श्रीजा ऑटो एलएलपी के साथ साझेदारी को जारी रखा है। साई श्रीजा ग्रुप दिल्ली एनसीआर का अग्रणी ऑटोमोबाइल ग्रुप है, जिसने दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स जैसे एमजी मोटर्स, ह्यूंडई और फोर्ड के साथ साझेदारी की है। उत्तरी दिल्ली में एलटी ग्रीन रिटेल एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन एलटी ग्रीन के सीईओ डॉक्टर अमिताभ सरन ने किया। इस रिटेल डीलरशिप के लॉन्च के साथ एलटी ग्रीन अपने उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय एवं आधुनिक सुविधाओं के साथ बेजोड़ अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। डीलरशिप के हर हिस्से को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये यहाँ आने वाले हर उपभोक्ता, खासतौर पर ऑटो रिक्शा चालकों का स्वागत करेगी। एलटी ग्रीन उपभोक्ताओं के प्रति सम्मान को सुनिश्चित करती है और उनके भरोसे को जीतने के लिए निरंतर प्रयासरत है। डॉक्टर अमिताभ सरन, संस्थापक एवं सीईओ एलटी ग्रीन ने कहा, हमें खुशी है कि हमें दिल्ली को भारत की ईवी कैपिटल बनाने के मिशन में योगदान देने का मौका मिला है। अपने इस प्रयासों के माध्यम से हम दिल्ली को स्वच्छ, हरित एवं प्रदूषण रहित शहर के रूप में विकसित करने में योगदान देना चाहते हैं। साई श्रीजा ग्रुप के पास ऑटोमोबाइल रिटेल में दशकों का अनुभव है, जो राज्य में ईवी की पहुंच को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। गौरतलब है कि ओखला में पहला डीलरशिप पहले से ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। एलटी ग्रीन आने वाले समय में भी भारतीय कार्गो एवं यात्री परिवहन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनुकूल ईवी लाती रहेगी। एलटी ग्रीन का तो शुरू से यही मकसद रहा है। हमने आपको बताया कि 10 साल से हम लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाए हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका फ़ायदा लोग जो हैं, यहाँ पे व्यापारी जो हैं, वो लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। अभी तक बिजली गाड़ी चला रहे हैं 4 से 8 रुपए किलोमीटर की जगह, अब 90-92 पैसे पर किलोमीटर का अगर हो जाएगा तो उससे बहुत फ़ायदा है। मतलब 10,000 रुपये महीने का जो बचत होगी एक ड्राइवर की, आप उससे सोचिए उसको कितना फ़ायदा होगा। भाई आपने सर अभी रेट में भी आसमान ज़मीन का अंतर जरूर होगा। नहीं, बिल्कुल बहुत फ़र्क है। देखिए, टाटा एस से जब कंपैरिजन करते हैं तो हम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी, जो कितना बड़ा पीछे डब्बा आ सकता है। टाटा एस का डब्बा है करीब 192 क्यूबिक फीट का, हमारा 177 क्यूबिक फीट का, तो हमने 3 व्हील पे बना दिया है, जो कि आज तक कभी हुआ ही नहीं है। 2 साल से हम लोग मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आसान है 177 क्यूबिक फीट का बनाना, कोई भी नहीं बना पाया है। सर, 3 व्हील से आपने डिस्कस किया, बताया, हमेशा देखा गया 3 व्हीलर जो होते हैं उनका बैलेंस करना बहुत दिक्कत और उनके एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं। देखिए क्या है कि 3 व्हील्स जो है उसको हम लोग बना तो दिया है 3 व्हीलर गाड़ी, लेकिन हम लोग भूल गए कि पीछे रिजिड एक्सल होती है उसके अंदर। जो 4 व्हील होती है उसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होता है, हर पहिया अलग अलग चलता है। उसके अंदर क्या है, पीछे एक एक्सल होती है, जिसकी वजह से अगर एक पहिया गड्ढे में जाता है तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है गाड़ी की पलटने की। आप हमारी गाड़ी देखिए, ये अकेली 3 व्हीलर है जिसके अंदर की कार्गो 3 व्हीलर, जिसके अंदर की इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो कि 4 व्हीलर में होता है, वो 3 व्हीलर में उतार के दे दिया। सर, साई श्रीजा के साथ कैसा कोलैबोरेशन है? तो एक तो ऑलरेडी हमारे पास है ही ओखला में, ये साई श्रीजा के साथ सेकंड है ये हमारा, और हम चाहते हैं कि अपने पार्टनर्स के साथ ही हम ग्रो करें। सर, आज जो नई फ्रेंचाइजी आप लोगों ने खोली है, क्या कुछ मकसद है इस फ्रेंचाइजी को खोलने का? ऐसा है कि जो ये प्रोडक्ट है, पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, जो एलटी ग्रीन कंपनी है, दैट इज 100% 93% इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली, और जो इसकी क्वालिटी है दैट इज एग्जैक्टली एज पर दी इंडियन रोड्स। और हमारा कस्टमर जो ऑलरेडी हमारा शोरूम चल रहा है साउथ दिल्ली में ओखला में, सो वी आर सप्लाइंग दिस एलटी ग्रीन 3 व्हीलर्स टू मेनी कस्टमर्स, और कस्टमर्स बहुत खुश हैं इससे, बहुत सेटिस्फाइड हैं। और इसलिए हमने कहा इसको नॉर्थ दिल्ली में खोलते, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट है, और जो हमारी दिल्ली में
ड्यू टू दिस पॉल्यूशन आप देख रहे हैं 200, 300, 400 तक भी जाता है AQI, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ईवी बहुत साथ देगा. बिकॉज ऑफ दिस ईवी हमारा पॉल्यूशन आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में हमारा कम हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है. तो इसलिए ईवी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस हमारा दिल्ली NCR का पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए. बिजली हूँ मैं, इसका ये मतलब है कि बिकॉज ये सारा बिजली से होता है, इसके अंदर कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई पोल्यूशन नहीं है इसमें, कोई पोल्यूशन नहीं है. बिकॉज दिस इज मतलब एक तो ये क्या है कि इसमें जो यूजर है उसको बेनिफिट है, उसको कॉस्ट सेविंग है, कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं, कोई सर्विस का खर्चा नहीं, और इसमें कोई पेट्रोल नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई ऑयल नहीं, कोई सी चीज का खर्चा नहीं है. तो इसकी 100% सेविंग ड्राइवर्स को और जो इसके कस्टमर्स हैं इनको रहेगा. जी सर, आज आप यहाँ कुछ कहना चाहेंगे डेफिनेटली अभी गवर्नमेंट भी बड़ी अवेयर है इस चीज के लिए, क्योंकि अभी भी हमारी मिनिस्ट्री लेवल पर भी जो बातचीत हो रही है उसमें भी सब यही हो रहा है कि भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को मोस्टली प्रमोट कर दें. अभी रिसेंटली मीटिंग में भी ये डिसाइड किया गया है कि जितने भी ऑलमोस्ट जो ओल्ड व्हीकल्स हैं वो जो डीजल व्हीकल्स हैं या जो भी उनको रिमूव करके फर्दर जो भी परचेजिंग करनी है आपको, इवन ऑफिशियल गाड़ी भी उनको भी इन्वाइट किया गया है कि भी आप जितनी भी हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उनको प्रोवाइड करें. तो इवन अपने CM केजरीवाल जी बहुत इंटरेस्टेड हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोई नई व्हीकल्स के लिए जो भी नई व्हीकल्स परचेज की जाए ऑफिशियल, प्लस मंडी में भी जो हम लोग अभी भी गार्डमोर या कोई भी इस तरह की व्हीकल्स यूज करते हैं उनमें सभी में कोशिश है कि भी जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फर्दर जो भी परचेज हम करें, जैसे ही उनका टाइम पीरियड हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रमोट करें. सर, मैं AS इंटरनेशनल गारमेंट्स बादली से भूपिंदर कुमार सक्सेना. ये अभी हमने LT ग्रीन गाड़ी परचेज की है और EV व्हीकल में अब इस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ. और क्योंकि इससे पहले हमारे पास CNG की गाड़ियाँ थी जिससे कि दिल्ली के अंदर नो एंट्री के बीच के चक्कर भी हैं, तो उससे खर्चा निकल नहीं पा रहा था. EV में एक तो नो एंट्री नहीं है, दूसरा एवरेज खर्चा इसके कम है, रिस्पॉन्स बढ़िया है. मेरा नाम है ध्रुव कुमार सोनी, ठीक है. मैं तिलोकपुरी के रहने वाला हूँ और गाड़ी मैनेज जो है बहुत अच्छी मैनेज है. हमने देख के गाड़ी मैंने लिया है और मैंने कई लोग से मुझे सुना है गाड़ी बहुत अच्छी है और इसकी भरी में जो है 120 पे यहाँ है और आपको काना में खाली पे 150 किलोमीटर तक आप गाड़ी चला सकते हैं. अच्छा, इससे पहले आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल करते थे? पहले मैं गाड़ी चलाता था CNG गाड़ी. CNG मुझे फायदा नहीं हुआ इसलिए मुझे ये गाड़ी लेना पड़ा.